Good morning everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagavati Classes. And today in this class I'm going to tell you about the profitability ratio. So let's get started. So there are five ratios in profitability ratios. The first one is gross profit ratio, and the second one is operating ratio, third is operating profit ratio, fourth is net profit ratio, and the last one is ROI, return on investment. अब हम एक एक करके इस रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में. सो द फर्स्ट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सो व्हाट यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. मतलब ये रेशियो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है किसके बीच? ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच. और एक और चीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स है, ठीक है. नेट सेल का ये दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्लियर है. अब इसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, क्लियर है. ये है इसका फॉर्मूला. किसका? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम नेट सेल्स बोलते हैं, ये हमारी नेट सेल्स है. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ना हुआ तो तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्लियर है. ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अब फिर से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर दिया है तो फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लियर है. ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है. मतलब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है. तो ये है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ना दिया हो तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. और इसका दूसरा फॉर्मूला भी है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे. एक क्वेश्चन है हमारे सामने. इस क्वेश्चन में सेल्स, मतलब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखे हैं दो ईयर के. एक दे रखा है 2022 का और एक दे रखा है 2023 का. 120,000 है
2022 का और 1,80,000 है 2023 का। ठीक है, दो ईयर के हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखे हैं और ऐसे ही दो ईयर के हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। 2022 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 30,000 एंड 2023 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 36,000। अब हम इससे कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो वो मैं अभी बताती हूँ आपको। आइए निकालते हैं इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका हमने वो लिख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का हमने फॉर्मूला लिख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये मैं निकाल रही हूँ 2022 का। ठीक है, ये इस ईयर का निकाल रही हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कौन कितना दे रखा है, 30,000। कितना, 30,000 डिवाइडेड बाय, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दे रखा है, 1,20,000 इंटू 100। अब इसको कैंसिल करो, यहां से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 1s and 3 4s are 425s। ठीक है, 425 से 100 होता है, तो यहाँ पे 4 से ये 100 कट गया, तो हमारे पास कितना आया, 25%। तो मतलब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकला 2022 का वो कितना निकला है, 25%। ऐसे ही 2023 का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम निकाल सकते हैं, तो वो आप निकालना। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्रीज दे रखा है 50,000 का, परचेजेस दे रखा है 1,50,000 का, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है 20,000 का, वेजेस दे रखा है 10,000 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,50,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 40,000। मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री एड प्लस करेंगे हम उसमें नेट परचेजेस, प्लस करेंगे उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो रिटर्न आउटवर्ड का तो बताया ही नहीं था। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या है, रिटर्न आउटवर्ड हमारा होता है परचेज रिटर्न, जिसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। जो रिटर्न आउटवर्ड है उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं और जो रिटर्न इनवर्ड है उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। मतलब जो रिटर्न आउटवर्ड है उस वो क्या होता है, जब हम कोई गुड्स क्रेडिट पर खरीदते हैं और उसे जब हम वापस कर देते हैं तो हम उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो परचेज रिटर्न हमेशा इसमें से माइनस होगा। और जो सेल्स रिटर्न है, जो रिटर्न इनवर्ड है, वो क्या होता है, जो गुड्स हमने कस्टमर को बेची होती है वो गुड्स वो वापस जब कर देता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है उसका, रिटर्न इनवर्ड्स। क्लियर है, ये दो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब करते हैं क्वेश्चन इसका। ठीक है, अब ओपनिंग इन्वेंट्रीज दिया है, परचेजेस दिया है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, वेजेस दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है। ठीक है, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब इसमें ये चेक करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन यहां पर तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है, तो ये लिखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये फॉर्मूला है, अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दे
सैलरी रखा है, कितना दे रखा है 50,000। उसमें ऐड करेंगे नेट परचेजेस जो दे रखा है 1,50,000, और फिर ऐड करेंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है हमारा, वेजेस। तो वेजेस दे रखा है हमारे पास 10,000। इसमें माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड जो कि हमारा क्या था, परचेज रिटर्न, तो वो दे रखा है 20,000। माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 40,000। क्लियर है? अब देखो इसमें हम माइनस कर रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड और माइनस कर रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 1,50,000 और 10,000, 50,000, 50 and 10, 60,000, 60,000 इसमें ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा हमारा 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 आ गया हमारे पास। ये वैल्यू कितनी थी, 40,000 and 20,000, तो ये आ जाएगा 60 minus 60,000। क्लियर है? अब इसको माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो हमारे पास आ जाएगा 1,50,000। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कितने आ गया, 1,50,000। अब निकालेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बाद में निकालेंगे, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है, 2,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने निकाला था, कितना निकला था हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 1,50,000। माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1,00,000। क्लियर, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, मेरे साथ बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 1,00,000, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था, 2,50,000 इनटू 100। क्लियर है? अब इसको कैंसिल करो, 0,0,0 इससे कट हो जाएगा, 5,2 and 5,5, 5,20। तो हमारे पास कितना आ गया, 40%। तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है। मैंने आपको दो एग्जांपल करा दिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, और आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू लाइक माय वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।